आरटीएफ न्यूज की तरफ से आप सभी को स्वागत है। हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के ग्राम नंगला में। यहाँ पर ग्राम प्रधान के लिए नियुक्त किए गए हैं नीरज जी। चलिए नीरज जी से बात कर लेते हैं, वो चुनाव जीते हैं। सर पहले आपका परिचय हो जाए एक बार। मेरा नाम नीरज सिंह है, ग्राम नंगला खुदों में रहने वाला हूँ जी। सर आरटीएफ न्यूज की तरफ से आपको बधाई, आप प्रधान पद के लिए चुने गए हैं। सर आपने जो चुनाव लड़ा है, इससे पहले भी कुछ चुनाव लड़ा आपने? इससे पहले दो चुनाव लड़े हैं, तो उसमें क्या हारे थे जीते थे, क्या हुआ? हारा था, एक चुनाव ने छोड़ दिया बीच में, एक चुनाव हार। सर चुनाव लड़ने की मेन वजह? यही समाज सेवा। समाज सेवा करना चाहते। सर आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए थे, उन्होंने आपको वोट किन मुद्दों पर दिया? गाँव की जो समस्या है, सफाई की, शिक्षा की, सड़क की, और भी जो है वो बुजुर्गों की, जो पेंशन वगैरह इनकी बनती है, उन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए और जनता ने आप पर भरोसा जताया। सर अभी जो अभी आप प्रधान पद के लिए नियुक्त हो चुके हो, पहले 6 महीने में आप सबसे पहले किस काम को प्राथमिकता देंगे? मैं गाँव की साफ सफाई और जो रास्ते हैं इनके, तो सबसे पहले आप यहाँ की जो साफ सफाई है इस पर ध्यान देंगे, और जो गांव के रास्ते, सब जो गांव के मेन रास्ते, गांव के अंदर की जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी भी है और गांव के मेन रास्ते, जो गांव के मेन रास्ते भी है। सर फिलहाल अभी विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन आ रही है? हाँ आ रही है। बराबर जा रही है सबको? हाँ सर बराबर। कितनी है अभी यहाँ? ये तो पता नहीं, लेकिन कम, मतलब हमारे यहाँ विधवा और ये 98% के आसपास सभी लोगों को मिल रही है। और सर मनरेगा की क्या कंडीशन है? मनरेगा का तो काम यहाँ मेरे हिसाब से तो मैन पावर से कर लेता है। अच्छा। पिछले 3 सालों में हम मैन पावर से यूज नहीं हुआ, वैसे ही यूट्यूब द्वारा मिल जी। सर गवर्नमेंट की तरफ से कितने सफाई कर्मचारी मिले? एक सफाई कर्मी है, वो भी जो है मुझे लगा 6 महीने सामने देखा है, 6 महीने। अब ये पद आपने संभाल लिया है, अभी आपकी जिम्मेदारी बनता है कि आप वो रोज आएगा? हाँ जी, चाहे हम संविधा का अपना रखें। अच्छा। या परमानेंट सरकार सेवन मिले, लेकिन यहाँ परमानेंट सफाई कर्मी है, पूरा ध्यान दिया जाएगा। दूसरा होगा, अभी भी मैं करता हूँ 2 आदमियों को, जो कल से जाए इस काम को शुरू कर देंगे। अच्छा। दूसरा काम होगा गांव की जो कनेक्टिविटी की, जो रोड है, ये पर खड़ंजे वगैरह है, इनका काम होगा। सर शिक्षा का क्या स्तर है यहाँ पर? शिक्षा का स्तर तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ 8वीं तक स्कूल है। कोशिश करेंगे इंटर कॉलेज बन सके, बन जाए। मतलब कोशिश रहेगी? कोशिश तो भाई आपके हाथ में तो है नहीं, जनप्रतिनिधि हमारे उन्हीं से। तो मतलब आपकी, मतलब 12th तक करने के लिए आप कोशिश करेंगे? इसका कोई खेल का मैदान है गांव में? खेल का मैदान भी गांव में नहीं है। इसके लिए कोई कोशिश, कोई प्लान है? इसके लिए प्लान है, हमारे यहाँ जो है जमीन पड़ी है, उसकी LMC नहीं है, ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट का निकाल के। अच्छा। खेल के मैदान में तब्दील कराओ, तो वो भी जल्दी जल्दी कराने का आपका मूड है। सर वृद्ध पेंशन और वृद्धा पेंशन पर अभी बात हुई थी, विधवा पेंशन पर भी बात हुई थी, तो पूरी जाती है? जनरली जाती नहीं है सबको उतनी, नहीं प्रॉपर। यहाँ पर जो पहले प्रधान है वो भी मतलब प्रॉपर जा रही थी? हाँ हाँ, उसके टाइम में। अच्छा, उसके टाइम में पूरी जा रही थी। सर बिजली की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बिजली का भी करीब हिसाब ठीक ही है, बढ़िया है। पानी का जो हैंडपम्प का ही है, पानी की कोई सुविधा नहीं है गांव में। आपके इस बात में गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, क्या अलग अलग आपने कुछ सोचा इस बात? गीला सूखा कूड़ा हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ही उसकी है कि कूड़ा डालने की जगह नहीं है गाँव में। अच्छा, कोई कूड़ा घर नहीं है? कूड़ा घर नहीं है कोई। सर शमशान घाट और कब्रिस्तान की क्या पोजीशन है? शमशान घाट और कब्रिस्तान जो है वो भी बेकार स्थिति में है। तो पहले पर डालने को ध्यान नहीं दिया? मेरे हिसाब से तो कोई ध्यान नहीं। चलिए, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या आप ध्यान देंगे? हाँ, उनकी आदत अच्छी होगी। कब्रिस्तान और शमशान है तो अच्छा, पूरा घर भी मिलेगा। आप क्या नवीनीकरण में क्या सोच रहे हैं कि क्या कराना चाह रहे हैं? उसकी बाउंड्री कराऊंगा। और जो है सर, ये जो आप बोल रहे हैं ये सब ना जनता तक? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उसकी उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है सब जा रहे हैं, मेरी प्राथमिकता में है कब्रिस्तान बाउंड्री वगैरह जो है तुम्हारा, बारिश वगैरह है वो वहाँ खड़े होने की ऐसी जगह हो। अच्छा, ये है। सर आंगनवाड़ी का भी है क्या आपके यहाँ गांव में? आंगनवाड़ी भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो आंगनवाड़ी देखे जिसमें गांव में गए,
सभी में ताले लगे हुए हैं, कुत्ते वहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है सर। हमने हर प्रधान से बात, हमारे यहाँ आंगनवाड़ी का जो केंद्र है वो तो कोई प्रॉपर है नहीं, आंगनवाड़ी का प्राइमरी स्कूल में बैठने का है, आंगनवाड़ी हमारे यहाँ है भी नहीं, अलग से नहीं है, अलग से नहीं, और आंगनवाड़ी भी नहीं है। अच्छा, आंगनवाड़ी की हमारी जो यहाँ ही उसकी मृत्यु होगी, उसका जो है चार्ज है पोटरी की। अच्छा सर, मेरा प्रश्न अधूरा रह गया, क्या इस गांव में इस बार एक नया कूड़ा घर मिलेगा? हाँ, कोशिश यही है कि हम जो है एक प्रॉपर जगह ऐसी बनावे जहाँ जो है वो कूड़ा जो है हाँ, उसका निस्तारण हो सके। अच्छा, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। अच्छा, ये आपकी योजना में है? हाँ, वो कुछ जमीन मैंने देख रखी है, मैं जमीन की कोशिश करूंगा उसे निकाल कर उस पर जो है यही काम होगा, अगर नहीं तो कूड़ा डालेंगे, यहाँ कोई जगह नहीं है प्रॉपर। अच्छा, जिसमें कूड़ा डाला जा सके गाँव में। अच्छा, और कुछ आपका मैनिफेस्टो? स्वास्थ्य केंद्र की भी, मेडिकल की क्या सुविधा है यहाँ पर? मेडिकल का तो यहाँ कोई है नहीं, एक उपकेंद्र बना रखा है इन्होंने, उसमें कोई डिस्पेंसरी वगैरह कोई नहीं, कोई है नहीं, ये बहुत मूलभूत जरूरत है। तो क्या कोई ध्यान है सर आप? नहीं, इसका भी मैं जीतते टाइम उन्होंने स्वास्थ्य विभाग वालों से बात करके आया, कोशिश करेंगे यहाँ एक डॉक्टर जब बैठे, चाहे हफ्ते में दो ही दिन या तीन दिन ही बैठे। डिस्पेंसरी है वैसे, बनी हुई तो है, लेकिन डॉक्टर नहीं है? नहीं, कोई नहीं बैठता उसमें। क्या डॉक्टर मतलब नियुक्त किया गया है बैठते नहीं, या नियुक्त ही नहीं किया गया यहाँ के लिए? डिस्पेंसरी है तो फिर तो नियुक्त ही नहीं किया। आशा और एएनएम की, आशा और एएनएम वे भी बैठते नहीं है, वो भी फिटिंग नहीं है। तो आपने कुछ व्यवस्था करने का प्लान बनाया? हाँ हाँ, मैं बेहतर हो बात करके आया हूँ उनसे। अच्छा, और कोशिश करेंगे कि जो है शायद हफ्ते दस दिन में स्टार्ट करें। अच्छा, आयुष्मान भारत के लिए भी कुछ? आयुष्मान भारत के अभी कार्ड बनवाए हैं हमने। अच्छा, इलेक्शन से पहले ही बैठ के कार्ड, मतलब जो अब आने वाले 5 साल है वो बेहतर हो? हाँ हाँ, बेहतर हो, आदर्श गांव बनाने की कोशिश करेंगे गांव को। बहुत अच्छा, गांव जो है कितनी जनसंख्या है गांव की? गांव की जनसंख्या तो प्रॉपर 1200-1300 के आसपास है, 800 है। अच्छा सर, जैसे भी हमारे सवाल थे, जो भी आपके विकास के कार्य है, लगभग सभी प्रधान एक ही जैसा जवाब दे रहे हैं अभी तो। इसका सर सही बात में पता 6 महीने बाद चलेगा, जब टीम दोबारा आएगी, क्योंकि अभी तो ये मेरे हमारे सवाल यही है सभी से, और सभी इनके लिए अभी कोशिश ही बोल रहे हैं, कोशिश कितनी कामयाब होगी सर वो देखते हैं। सर दोबारा से बधाई हो, आप प्रधान पद के नियुक्त किए गए हो, और जितने काम आपने कहे हैं, जनता जो बैठी है सब उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो काम पूरे हो जाएंगे इस बार। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। आंखू है, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में पड़ता है, अभी हमारे यहाँ पर जो प्रधान पद के लिए नियुक्त किए गए हैं नीरज जी, हमारी उनसे बात हुई है। सभी प्रधान अभी एक ही बात कह रहे हैं, रटी रटाई है सबके, सभी विकास कार्य की बातें कर रहे हैं, और हमारे सवाल भी लगभग सब एक ही जैसे हो चुके हैं, क्योंकि शायद सभी गांव वालों को जो मूलभूत जरूरत है यही पूरी करनी है, लेकिन कौन प्रधान करेगा कौन नहीं करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अगले 6 महीने 1 साल में काम का आगाज हुआ नहीं हुआ, कितना काम पूरा हुआ, हम कुछ वक्त बाद फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। मैं आज सीएफ न्यूज की तरफ से राज, और कैमरे पर है हमारे साथ अंजलि राजपूत। देखो कहूंगी जो बंद के तो इस अच्छा, यहाँ के जो शमशान घाट है उनकी हालत ठीक नहीं है, आप मानते हैं कि वो इस बात को कर सकते हैं, हालत अच्छी होगी शमशान घाट की? हाँ, करवाएंगे भाई, हम इससे कहेंगे भाई, आप बोलेंगे और आपको लगता है आपकी बात सुनी जाएगी? सुनेंगे, वो पूरी होगी। देखिए, ये उर्मिला जी पेंशन का मुद्दा तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उर्मिला जी का कहना है जो शमशान घाट की हालत है वो ठीक नहीं है, उनका कहना है कि हम प्रधान जी से बोलेंगे कि हालत ठीक हो, वहाँ पे सौंदर्यकरण हो, कुर्सी हो, पानी हो पीने का, जो लोग भी वहाँ पे आए तो एक अच्छा मैसेज लेके जाए। अगर बाहर के लोग भी आए तो वो कहें कि एक गांव में शमशान घाट बहुत सुंदर है, जैसे कि दिल्ली में निगम बोध घाट की बहुत चर्चा है, क्यों जी? तो ये है उर्मिला जी, उर्मिला जी फिल्मों वाली उर्मिला जी नहीं है, ये गाँव वाली उर्मिला जी है, ये कुछ फिल्मी बातें नहीं है, वास्तविकता वाली बात। इसी के साथ दूंगा इजाजत, क्योंकि मेरे पीछे एक हेलीकॉप्टर आ गया है। धन्यवाद। क्या नाम है उसका? मैं हूं इस समय ग्राम नंगला, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। अभी हम यहां की स्थिति देख रहे हैं, यहां पर प्रधान पद के लिए नियुक्त हुए हैं नीरज जी। अभी चलिए सफाई की क्या पोजीशन है देख लेते हैं, कुछ महीने बाद हम फिर आएंगे, फिर हम देखेंगे कि यहां पर क्या परिवर्तन हुआ है। ये लाइट्स वगैरह का है, अभी कुछ जल नहीं रही है, ये गांव की स्थिति आप देख रहे हैं अभी फिलहाल। स्वास्थ्य केंद्र को भी दिखा दीजिए, पिछले 10 साल से उसकी क्या ये पोजीशन है यहां पर नालियों की, अभी तो
और देखेंगे कुछ महीनों बाद फिर से आकर तब यहाँ पर क्या परिवर्तन आता है।